सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हमारे खुदावंद ने इस पर जान देकर हमारा फिदिया दिया है, हमें गुनाहों से निजात दी है, हमें हमेशा की जिंदगी दी है। लोग कम इल्मी में या जानबूझकर मसीह की सलीब की तौहीन करते हैं। हाँ, ये थी तौहीन और जिल्लत और शर्मिंदगी और मौत का निशान, लेकिन मसीह ने इस पर जान देकर इसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा इज्जत वाली कर दिया है। इसीलिए हम अपनी पेशानी पर, हम अपने सीनों पर, हम अपने घरों पर, हम अपने कारोबार, अपनी गाड़ियों पर, हम अपनी मिल्कियत हर चीज पर इसका निशान बनाते, लेते, लटकाते और सजाते हैं। कोई इसकी तौहीन करता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमने पलट के तौहीन करने वालों की तौहीन नहीं करनी। हमें सिर्फ दुनिया को यह बताना है कि भले सलीब को कोई बुरा कहे या इसकी बेहुर्मती करे, हमारे ईमान, अकीदे और जिंदगियों में सलीब का मुकाम ना कोई कम कर सका है, ना कम कर सकेगा। यह जिससे जुड़ती है उसे इज्जत दे देती है, क्योंकि यीशु ने इसे इज्जत दी, इसलिए इसकी इज्जत है। इसलिए हम मिलकर कहेंगे, मसीह की सलीब मेरा फखर है, मसीह की सलीब मेरा फखर है, मसीह की सलीब मेरा फखर है।